टाइटैनिक सबमर्सिबल टाइटन पनडुब्बी हादसे की वजह आई सामने। जानिए कौन सी गलती यात्रियों को पड़ी भारी। आइए जानते हैं विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कारण जिसने हादसे को अंजाम दिया। जाने इसके पीछे की सच्ची कहानी इस वीडियो द्वारा। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना ना भूले। टाइटैनिक जहाज के किस्से दुनिया जानती है, लेकिन उसी टाइटैनिक के मलबे का रहस्य जानने गई टाइटन पनडुब्बी अब खुद ही एक रहस्य बन गई है। टाइटैनिक के मलबे के रहस्य को सुलझाने के लिए 2.02 करोड़ वाले अभियान को शुरू किया गया था। इसमें दुनिया के अमीर लोग शामिल थे। अटलांटिक महासागर में 111 साल पहले डूब चुके टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई टाइटन पनडुब्बी। अपने साहसिक अभियान के चलते समुद्र तल के नीचे 13,000 फीट गहराई तक टाइटैनिक जहाज के मलबे वाली जगह पर उतरी थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिस स्थान पर टाइटैनिक जहाज डूबा था, टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे के अगले हिस्से के 1600 फीट नीचे बरामद किया गया है। बताया गया है कि पनडुब्बी में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद उसके चिथड़े उड़ गए। इस पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दुनिया भर में पनडुब्बी के डूबने की चर्चा हो रही है। लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से पनडुब्बी में विस्फोट हुआ। टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई टाइटन पनडुब्बी 19 जून 2023 को अटलांटिक महासागर में चालक दल समेत 5 लोगों के साथ अचानक लापता हो गई थी। समुद्र के भीतर जाने के कुछ ही घंटे बाद टाइटन पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था। लापता होने के 4 दिन बाद अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने उसके मलबे को बरामद किया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा कि पनडुब्बी हादसे का शिकार हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के मुताबिक करीब 2 घंटे के भीतर ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। टाइटन पनडुब्बी 5 यात्रों को लेकर गई थी। क्या है टाइटन पनडुब्बी? टाइटन पनडुब्बी को अमेरिका स्थित ओशन गेट ओवन परेड करती है। साल 2009 में इस कंपनी की शुरुआत स्टॉकटन रश ने की थी और वह भी इस पनडुब्बी पर सवार हैं। स्टॉकटन की पत्नी वेंडी के परदादा दादी इसिडोर और ईडा स्ट्रॉस टाइटैनिक पर फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे। ये वो 2 सबसे अमीर लोग थे जो जहाज पर सवार हुए थे। टाइटन एक रिसर्च और सर्वे सबमर्सिबल है जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। इनमें एक पायलट और चालक दल शामिल हैं, जो पुरातत्वविद या समुद्री जीव विज्ञानी हो सकते हैं। लेकिन इनके अलावा इसमें वे पर्यटक भी जा सकते हैं जो एक सीट का खर्च उठा सकते हैं। टाइटन से साइट सर्वेक्षण और निरीक्षण के अलावा अनुसंधान और डेटा संकलन का काम होता है। यह समुद्र में परीक्षण के लिए 13,123 फीट की गहराई तक जा सकता है। इसके जरिए समुद्र में खोजी के लिए जहाजों को तैनात किया जाता है। यह कार्बन फाइबर से बना होता है और इसकी लंबाई 22 फीट होती है। वजन करीब 10,400 किलोग्राम। यह चारों ओर घूमने के लिए 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स का प्रयोग करता है। इस पनडुब्बी में 96 घंटे की बोतल बंद ऑक्सीजन होती है। टाइटन पनडुब्बी टाइटन सबमरीन के डूबने से दुनिया के 5 अरबपतियों की मौत के साथ ही उनके रोमांच के सफर का दुखद अंत हो गया। इस दुर्घटना में जिन 5 लोगों की मौत हुई, उसमें ओशन गेट कंपनी के मालिक स्टॉकटन रश भी शामिल थे। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने समुद्र में मीलों नीचे गए अरबपतियों के रोमांच के सफर का दुखद अंत हुआ। पनडुब्बी के लापता होने के बाद अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने रविवार को एक तेज धमाके की आवाज सुनी थी। उसी दिन टाइटन समर्सिबल लापता हुई थी। अब कई दिन का सर्च अभियान चलाने के बाद भी जब पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल पाया, तो अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि विनाशकारी अंतःस्फोट में पनडुब्बी तबाह हो गई है। क्या होता है अंतःस्फोट? इम्प्लोजन बता दें कि विस्फोट का उल्टा अंतःस्फोट होता है। विस्फोट में कोई भी चीज अंदर से बाहर की तरफ फटती है, वहीं अंतःस्फोट में बाहर से अंदर की तरफ दबाव के चलते धमाका होता है। कि पनडुब्बी में किसी ढांचागत खामी की वजह से पनडुब्बी उस पर पड़ने वाले बहुत ज्यादा दबाव को झेल नहीं सकी और धमाके में बिखर गई। समुद्र की गहराई में छोटी सी खामी बन सकती है। मौत की वजह विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। यह 4-5 हजार पौंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है।
ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी खामी भी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी अंतः स्फोट इम्प्लोजन का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि यह विस्फोट मिली सेकंड के भी एक अंश में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हो गया होगा और यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए माना जा रहा है कि पांचों यात्रियों के शव नहीं मिल पाएंगे। बता दें कि टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई में पानी का किसी भी वस्तु पर दबाव करीब 5,600 प्रति वर्ग इंच सकता है। हादसे में कब क्या हुआ? टाइमलाइन। बता दें कि समर्सिबल हादसे में मारे गए पांच यात्रियों में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। इन लोगों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 16 जून 2023 को अपने सफर की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 18 जून को ये सभी यात्री समर्सिबल से पानी के अंदर उतरे। सुबह 9 बजे ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे और सुबह करीब 11:47 ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। पांचों यात्रियों को शाम 6:10 पर इसे सतह पर वापस लौटना था, जिसके बाद शाम 6:35 पर बचाव कार्य शुरू किया गया। पनडुब्बी में 96 घंटे की ही ऑक्सीजन थी। इसके अगले दिन ही अथॉरिटीज ने सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया और पनडुब्बी में अंतः स्फोट होने का खुलासा किया। आइए अब जानते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए भी कैसे डूबी पनडुब्बी। क्या थी टाइटन पनडुब्बी और इसकी खासियतें? टाइटन एक रिसर्च और सर्वे के काम में इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी थी, जिसमें चालक समेत 5 लोगों के बैठने की क्षमता थी। इसके अलावा लोगों को समुद्र की गहराई तक प्रयत्न कराने के लिए भी पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता था। टाइटेनियम और कार्बन फाइबर की बनी इस पनडुब्बी का ढांचा 22 फीट लंबा था और इसका वजन करीब 10,400 किलो था। यह पनडुब्बी 4,000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। इस पनडुब्बी का प्रबंधन करने वाली कंपनी ओशन गेट का कहना है कि इस पनडुब्बी का व्यूपोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाली पनडुब्बियों में सबसे बड़ा था। इस पनडुब्बी में 4 इलेक्ट्रिक थर्स्टर्स लगे थे, जो पनडुब्बी को दिशा और 3 नॉट की गति से चलने में मदद करते थे। पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना था, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी होती थी। इस पनडुब्बी में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि पनडुब्बी का कम्युनिकेशन किन कारणों से टूटा। पनडुब्बी के हादसे की अन्य वजह इसमें पावर फेलियर या सब कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत हो सकती है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।